राम कृष्ण का एक शिष्य था, भोला भाला था, अनपढ़ जैसा था। विवेकानंद और दूसरे विद्वान साधकों के बीच वो सुकड़ सुकड़ के जीता था। रामकृष्ण सहज में मिलते जुलते थे। एक दिन उसने रामकृष्ण को कहा कि ये नरेंद्र भैया इतना जानते हैं, फलाने इतना जानते हैं, इतने श्लोक, इतनी व्याख्या, इतने शास्त्र के, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, प्रकृति क्या है, उसकी व्याख्या करते सुनते मैं तो समझ भी नहीं पाता हूं। ठाकुर मेरा क्या होगा? रामकृष्ण ने आत्मीयता से कहा, अरे लाटू, साधक का नाम था लाटू, लाटू मैं हूं ना तेरे लिए। लाटू ने देखा कि हाँ, ठाकुर मेरे हैं, गुरुजी मेरे हैं, अब गुरुजी मेरे हैं, मैं गुरु का हूं। लाटू का ऐसा गुरु प्रेम हो गया, संत का दर्शन चिंतन बार बार होने लगा। मेरी अयोग्यता और मैं अनपढ़, एक भ्रांति निकल गई, मैं ठाकुर का हूं। रामकृष्ण माना ठाकुर बोलते थे, गुरु का हूं, गुरु मेरे। तो गुरु की निष्ठा, गुरु की मस्ती, गुरु की सहजता के गुण उनमें आने लगे। और लाटू में से लाटू महाराज, अच्छी ऊंची स्थिति हो गई, लाटू महाराज, लाटू महाराज। लेकिन वे लगे रहे तो ऐसी सिद्धियां आई, अद्भुत सूझबूझ, अद्भुत समता, अद्भुत सहजता, अद्भुत स्वाभाविकता, छल कपट बनावट चतुराई नहीं, सहज में। स्वामी विवेकानंद उनसे बड़े प्रभावित हुए और उनकी सिद्धियां और योग्यताएं देखकर स्वामी विवेकानंद ने उनका नाम रखा अद्भुत आनंद स्वामी, और अच्छे अच्छे स्वामियों में उसका नाम आ गया। कहा तो लाटू था, लाटू लट्टू चलाते ना, बोले वो इसका लट्टू है, लट्टू लट्टू। और कहा लाटू महाराज और अद्भुतानंद महाराज। आप अपने भीतर से, हृदय से एक कांटा निकाल दो कि हम अयोग्य हैं, ईश्वर को हम नहीं पा सकते, आपकी योग्यता लिखाई पढ़ाई पर नहीं है। धन से ईश्वर नहीं मिलता, सत्ता से ईश्वर नहीं मिलता, सौंदर्य से ईश्वर नहीं मिलता, चतुराई से ईश्वर मिलता तो वकीलों के और जजों की जेब में होता, धन से ईश्वर मिलता तो देश परदेश में जिनके पास धन के ढेर है उनकी तिजोरी में होता ईश्वर। अगर सौंदर्य से ईश्वर मिलता तो ललनाओं के पर्स में होता, लाली लिपस्टिक लगाने वालों के पर्स में होता है ईश्वर। अगर बल से ईश्वर मिलता तो पहलवानों के बगल में होता है ईश्वर। ईश्वर बल से नहीं मिलता, बुद्धि से नहीं मिलता, सुंदरता से नहीं मिलता, कुरूपता से नहीं मिलता। ईश्वर को पाने की जिसकी सद्भावना होती है बस उतनी योग्यता पर्याप्त है, और कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। तुम्हारी योग्यता से अगर ईश्वर मिले तो तुम्हारी योग्यता बड़ी हो गई, ईश्वर छोटे हो गए। 2000 की साइकिल मिलती है तो 2000 रुपए बड़े हैं, साइकिल छोटी तब खरीदी जाती। आंवला मिलते 15 रुपए किलो अभी बाहर के स्टाल पे, तो 15 रुपए बड़े हैं, आंवले छोटे हैं तुमसे, 15 रुपए से आंवला कम है इसलिए खींच के आता है। तो तुम्हारी योग्यता इतनी बड़ी है क्या? माता पिता के शरीर से एक बूंद के रूप में शुरुआत हुई, राख बनकर चट हो जाओगे, उस शरीर की योग्यता कितनी करोगे?
अर्थ न धर्म न काम कज। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को धाम। विद्या में नहीं बाहुबल भी नहीं खर्चने के लिए धाम भी नहीं, लेकिन तुम रघुनाथ मुझे प्रिय लगो बस। और भगवान प्रिय लगे अपने आप खींच के तुमको अपने तरफ खींचेंगे या तो खुद खींच के तुम्हारे तरफ आ जाएंगे। इसलिए अपने को अयोग्य न माने, भगवान को दूर न माने, भगवान को दुर्लभ न माने, भगवान को पराया न माने और भगवान को पाना कठिन है, ये बिल्कुल गलती निकालते। विद्या सूरता दक्षता बल और धैर्य ये लौकिक जगत में तुम्हारे पांच मित्र हैं, लेकिन परम मित्र तो परमात्मा है। हे प्रभु, प्रभु से पूछकर काम करो अथवा प्रभु को पुकार कर काम करो।